तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग राउंड टू में चॉइस फिलिंग को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में भी पिछले वीडियो में पूछे थे, सर सेकेंड राउंड में हम किस तरीके से कॉलेज ऐड कर सकते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो क्या प्रोसेस है, हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है और आप सीट अलॉटमेंट में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ऑटो अपग्रेडेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग के अंदर आप जाएंगे तो अभी आपको चॉइस फिलिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपको नोटिस में पहले तो बताया गया था जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग होगा वही होगा, सेकेंड राउंड में आप नहीं कर सकते हैं। नोटिस डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप अभी वेबसाइट से भी और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों जगह हम दिए रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब किस प्रोसेस से करेंगे, क्या प्रोसेस है, आगे क्या करना चाहिए, और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट पब्लिश होने जा रहा है आपकी बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का, वो 26 नवंबर को होगा, ठीक है। 26 नवंबर को आपका रिजल्ट पब्लिक होगा, 27, 28 और 29 इस महीने के लास्ट तक आपकी काउंसलिंग कंप्लीट। फर्स्ट राउंड में जिन्हें कॉलेज मिल चुका है वो अपना एडमिशन 21 से लेकर 24 के डेट तक करा लेंगे, और लेट करेंगे तो उनका नुकसान होगा। अपग्रेडेशन किए हैं तो अच्छी बात है। एक लाइन में कहूं, अगर सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है, आप कंफ्यूज नहीं रहिए, बिल्कुल कंफर्म रहिए, आपको अब शायद ही नेक्स्ट राउंड चेंज करने के लिए दे, क्योंकि पहले भी क्लियर बताया जा चुका है ऑफिशियली बोर्ड ऑफिस द्वारा, एक बार फिर से मैं कंफर्म कर दे रहा हूं, ये लगभग अब ना मान के चलिए, आपने अगर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज ऐड किया था वही कॉलेज ऑटोमेटिक आपका वही लिस्ट चला जाएगा सेकेंड राउंड में, सीट खाली रहेगी तो बिल्कुल आपको अलॉट होगा, तो आपका डाउट्स दूर हो चुका होगा आई होप। और इसी तरह अभी बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, तो चैनल पे जितने स्टूडेंट नए हैं वो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे अगर आपका कोई डाउट छूट जाए।